अभी अगर मैं आपको विजुअल एग्जाम्पल दू स्टैशिंग आ, कमिटिंग वगैरह वगैरह का तो मैं आपको कोई विजुअल एग्जाम्पल देता हूं एक न्यू एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर न्यू पेज तो आपके पास आपने एक न्यू फाइल लिए यू टू अ न्यू फाइल ठीक है इट फर्स्ट गोज इन टू द स्टेजिंग एरिया राइट आफ्टर गोइंग टू द स्टेजिंग एरिया इफ यू वॉन्ट टू कमिट दैट फाइल इट इज देन कमिटेड

गिट हिस्ट्री से आप रिमूव करते हो या फिर गिट हिस्ट्री में आप एड करते हो गिट हिस्ट्री में जब आप एड करते हो इट इज बेसिकली कमिटिंग वहां से जब रिमूव करते हो तो वापस से अंट्रैक्ट स्टेट में चला जाता है इट मीन दैट गिट नो अबाउट द फाइल एनी मोर दैट इज नोन एज रीसेटिंग द फाइल ठीक है दैट इज वॉट रीसेटिंग मीन्स राइट नाउ ये डायग्राम समझ आया सबको क्या चल रहा है यहां पर डायग्राम समझ आया कि नहीं डायग्राम समझ नहीं बताओ यार जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी ठीक है पटी नहीं और वो लड़का जो है बहुत ज्यादा हार्ड ब्रोकन हो गया था जब भी वो फोन देखता था और वो फोटोज को देखता था तो उसको उसकी बहुत याद आती थी तो उसने डिसाइड किया कि वो फोन को ही मैं फेंक दू और वो जो फोटोज को मैं जला दू तो वो स्टैश ही क्लियर कर देना चाहता है तो अगर वो स्टैश को आप क्लियर करना चाहते हैं फेक देना चाहते हैं सब कुछ आप बाद में उसको यूज नहीं करेंगे बाद वो सब वो सब नहीं चलेगा तो यू कैन जस्ट से कर देते हैं तो वो जो फाइल्स आर नॉट रिकवरेबल एनी मोर राइट ये स्टैश इफ यू क्लियर देम देन लॉस्ट यू कैन नॉट ट्रेस बैक दोनी मोर तो ये जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड नया फाइल पहले तो अंट्रैक्ट चेंजेस में जाता है फिर स्टेजिंग एरिया में जाता है फिर आप जब कमिट करते हो तो गिट हिस्ट्री में चला जाता है देन व्हेन यू द कमिट इट गोज बैक टू अंट्रैक्ट चेंजेस फ्रॉम द दैक्ट चेंजेस यू कैन स्टैश दो यूज वेन यू पॉप दो चेंजेस अगेन इट गोज बैक इन द स्टेजिंग एरिया देन आप फिर से कमिट करो जो करना है करो ठीक है एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द स्टैश देन यूज गिट स्टैश क्लियर चलो ये था आपका बेसिक्स गिट का आपका गिट का बेसिक्स क्लियर हुआ कि नहीं बताओ पहले अभी हम लोग गिट हब में जाएंगे गिटहब में जाने से पहले गिट का बेसिक्स क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बढ़िया अभी गिटहब में हम लोग चलते हैं ये आपका गिटहब का स्क्रीन मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर हो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली आप अकाउंट पहले क्रिएट करो उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगा अब ये अकाउंट क्रिएट करने का फुद्दू चीज मैं दिखा नहीं सकता ठीक है प्लीज आप खुद से कर <laughs> खुद से कर लो चीज <laughs> अकाउंट क्रिएट तो कर ही लोगे यार नहीं तो अभी हम लोग एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं आप एक न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो न्यू रिपोजिटरी अभी यहाँ पर क्या होता है देखो अभी हम लोग जो काम कर रहे थे

And now, whatever the contributions that will happen, this will happen on this remote repository because it's in the internet, it's in the GitHub. You will use the same git commands when you are working on your local local, local repository. Whenever you are done with the changes, you just push those changes into the remote repository so that other people in your team will be able to handle the or access those changes. If you have to access the project, and that is known as a remote repository, and this is where GitHub. हब कम्स इन पिक्चर समझ आया ये होता है डिफरेंस गिट एंड गिट हब का बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये डिफरेंस समझाते नहीं है मन इच्छा कुछ भी करते हैं और फिर बच्चे समझते नहीं है ठीक है अभी रिपोजिटरी नेम हम लोग क्रिएट करते हैं ठीक है अभी मैं बकवास एग्जाम्पल नहीं दूंगा अभी सब टेक्निकल एग्जाम्पल्स को लेकर ही हम लोग बातचीत करेंगे वो नर और कन्या का मैटर सॉल्व हो गया अभी ठीक है नर इज ओके कन्या इज ऑल्सो ओके तो अभी रिपोजिट्री क्रिएट करते हैं

ठीक है रिपोजिटरी ऐसे क्रिएट करते हैं ये हुआ मेरा रिपोजिटरी ठीक है ऐसे हम लोग हाँ गिटब इज अ गूगल ड्राइव फॉर डेवलपर्स यस बट विथ मोर फीचर्स ओके नाउ लेट अस सी दीज थिंग्स अभी ये गिटब रिपोजिटरी हमारा क्रिएट हो गया बट अभी ये जो हमारा लोकल रिपोजिटरी है इसके साथ कैसे कनेक्ट करें बाबू कैसे कनेक्ट करें ये तो मैंने बताया नहीं है अभी ये चीज हम लोग देखते हैं कि इसके साथ कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसका कमांड कुछ इस तरह है गिट ठीक है अभी रिमोट एड ओरिजिन तो पहले तो ओरिजिन क्या होता है वो चीज समझो ओरिजिन मतलब विच कम्स फ्रॉम द सेम डोमेन इन दिस केस वेन वॉट एवर रेपोजिटरी कम्स फ्रॉम आकाश नाइंटी नाइन गिटअप डॉट कॉम आकाश नाइन विल बी कंसिडर्ड एज द सेम

और यहां पर पेस्ट कर लो भाई पेस्ट कर लो तो ओरिजिन कनेक्ट हो गया अभी आपका लोकल रिपोजिटरी आपके ओरिजिन जो रिपोजिटरी के साथ रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो गया उसीलिए अगर मैं यहां पर गिट रिमोट सॉरी गिट रिमोट हाइफन वी ये वाला कमांड अगर मैं रन करता हूं तो यहां पर देखो ये मेरा ओरिजिन के साथ ये सारे ये वाला देखो ये वाला जो रिमोट रिपोजिटरी कनेक्टेड है बोल के दिखा रहा है हमारा मेरे करंट ओरिजिन में जो भी है ये वाला जो ओरिजिन है आई हैव सिलेक्टेड दिस ओरिजिन सो दिस इज द पर्टिकुलर यू नो रिपोजिटरी विच इज इन माई ओरिजिन ठीक है अभी गिट लॉग फिर से एक बार चेक करते हैं गिट लॉग में हमने तीन कमिट्स किए थे तीन कमिट्स किए थे कि नहीं किए थे तीन कमिट्स किए थे अगर अभी हमने कनेक्ट तो कर दिया इसके साथ ये जो रिमोट रिपोजिटर के साथ हमने कमिट तो कर दिया अब हमारे चेंजेस का क्या जो चेंजेस हमने कमिट किया है उसको तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो हमने नहीं किया अभी तक इट हैज नॉट बिन पुस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर रिमोट रिपोजिटरी वी नीड टू पुश दो रिपोजिटरी ठीक है तो अभी हम लोग देखो वो चीज को पुश करते हैं गिट पुश ओरिजिन मतलब अपने ओरिजिन मास्टर अभी ये हो जाएगा पुश अभी ये मास्टर के बारे में अभी चिंता मत करो बिल्कुल भी आप अभी समझो ये मास्टर मतलब ब्रांच होता है जो कि आपका मेन ब्रांच होता है ठीक है मेन ब्रांच होता है आपका तो वो मेन ब्रांच में आपने अभी पुश किया ब्रांचेस क्या होता है अभी हम लोग दो मिनट में पढ़ेंगे तो अभी टेंशन मत लो आप लोग ठीक है तो ये हो गया हमने पुश कर दिया अरे यार गल, गलती हो गया यार व्यू ऑल ब्रांचेस तो ये एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गया अभी उसका टेंशन मतलब आप लोग तो ये देखो अब ये हमारे रिपोजिटरी में मैं इसको अगर ये करूं रिफ्रेश करूं तो अभी आप देख सकते हो कि देखो अभी क्या हुआ कि हमारा मेन ब्रांच था मैंने और एक दूसरा ब्रांच में ये जो मास्टर ब्रांच मैंने नया बना दिया बट ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट अभी अगर आप देखोगे ये रिपोजिटरी में हमने जितने भी सारे कमिट्स किए थे चॉकलेट डॉट टी एक्टी डेट डॉट टी एक्स टी फ्लावर डॉट टी एक्स टी एंड फोन डॉट टीएसटी ये सारे हमारे आ गए पुश हो गए हमारे रिपो, रिमोट रिपोजिटरी में ठीक है तो अभी अगर हम लोग स्टेप्स के बारे में एक बार डिस्कस करें तो क्या क्या होगा हमारा तो फिर क्या होगा स्टेप्स के बारे में अगर आप रिमोट रिपोजिटरी में अपने चेंजेस पुश करना चाहते हैं तो आपका लोकल रिपोजिटरी हुआ लोकल रेपो यहां पर आपने कमिट्स किए कमिट्स आपने किए नाउ यू पुश दोस कमिट्स इनटू योर रिमोट रेपो रिमोट रेपो दैट्स इट नाउ योर रिमोट रेपो विल रिसीव ऑल द कमिट्स प्रोसीजर समझ आया सबको प्रोसीजर समझ आया कि नहीं यस और नो हमने अपने लोकल रिपोजिटरी से हमारा जो रिमोट रिपोजिटरी है वहां पर हमने पुश कर दिया अपने चेंजेस को यस और नो जल्दी बताओ कम ऑन कम गाइस ध्यान दो ध्यान दो और बताओ यस और नो समझ आया कैसे हमने पुश किया हम्म hmm, ग्रेट अभी हमने पुश कर दिया अभी हम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया साइट है इसको हम लोग बोलते हैं learngitbranching.org तो जब आप एक नया

कैंसल ठीक है तो आप जितने भी चेंजेस कर रहे हो आप सेम ब्रांच पे कर रहे हो बट कभी कभी क्या होता है यू वॉट एक्चुअली वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट राइट वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट योर मेन योर मेन प्रोजेक्ट इज इन द मेन ब्रांच राइट जो रिपोजिटरी के जो आपका मेन ब्रांच में मेन ब्रांच में आपका प्रोजेक्ट है एंड ऑल द डेवलपर्स डी वन डी टू डी थ्री

अप्रूव कर दिया सब कुछ हो गया बग रिलीज किया फीचर ब्रांच फीचर फोर में तो क्या होगा आपका जो अप्रूवर रहेगा उसको अनअप्रूव कर देगा बोला कि इसमें गलती है भाई इसको सुधार पहले उसके बाद मर्ज करेंगे अपने मेन ब्रांच के साथ क्योंकि अगर ये गलती मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो गया इसका मतलब क्या आपका बग चला जाएगा मेन एप्लीकेशन में तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो पहले ये बग को फिक्स कर फीचर फोर ब्रांच के में ही आप फिक्स करो वो बग को वंस द बग इज देन वी विल मर्ज इट बैक टू मेन ब्रांच समझ आया मर्जिंग क्या होता है और ब्रांचेस क्या होते हैं समझ आया कि नहीं आया बताओ हाँ कि नहीं बताओ ब्रांचेस क्या होते हैं समझ आया आपको यस सर नो ठीक है तो अभी इसको थोड़ा विजुअल वे में देखते हैं अभी आपने सेम सेम पर्टिकुलर ब्रांच में आप काम कर रहे हैं बट आपका डेवलपर वन हुआ डेवलपर वन क्रिएटेड ब्रांच एंड ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम लोग गिट ब्रांच कमांड यूज करते हैं एंड ये फॉर एग्जाम्पल ब्रांच उसने क्रिएट किया फीचर वन फीचर वन देखो एंड देन अभी क्या करेंगे गिट चेकआउट चेकआउट मतलब वो ब्रांच में हम लोग शिफ्ट करेंगे गिट चेकआउट अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो ये मेन के ऊपर एक स्टार है मतलब अभी जो आप कमिट्स कर रहे हो मेन पे अभी कमिट कर रहे हो तो वो जो स्टार है उसको हम लोग बोलते हैं हेड दैट हेड इज पॉइंटिंग टू द मेन क्योंकि यू आर कमिटिंग टू द मेन ब्रांच एज ऑफ नाउ बट अभी हमको किस पे कमिट करना है फीचर ब्रांच पे कमिट करना है तो हम पहले फीचर ब्रांच में चेकआउट करेंगे मतलब फीचर ब्रांच में जाएगा ब्रांचेस को आप समझिए रास्ता है ये एक रास्ता है ये एक रास्ता है ये आपका मेन है ये आपका फीचर वन है अभी आपको फीचर वन में जाना है इसका मतलब आपको फीचर वन में चेकआउट करना है तो गिट चेकआउट फीचर वन अभी देखो जो हेड था ना जो पॉइंटर था देखो फीचर वन पे आ गया अभी हम लोग कमिट्स अगर करेंगे गिट कमिट तो सारे फीचर वन में जाएंगे देखो फीचर वन में अभी सारे कमिट जा रहे गेट कमिट फीचर वन ये सारे देखो सारे चीजें आपके जा रहे में में ठीक है फीचर वन में सारे कमिट्स जा रहे हैं अभी मेन में कोई कमिट नहीं जा रहा है अभी फॉर एग्जांपल सोचो ये फीचर वन में सारा चीज ठीक है अभी इसको मर्ज करना है हमको मेन ब्रांच में क्योंकि सारे काम सही से काम कर रहा है मेन ब्रांच तो अभी हम लोग क्या करेंगे गिट merge feature वन ठीक है क्या हो गया ये काम क्यों नहीं कर रहा अरे भाई साहब सॉरी आउट पहले हम लोग मेन में जाएंगे सॉरी चेकआउट एंड मेन में जाने के बाद वी आर गोइंग टू गेट मर्जर वन अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ देखो फिर क्या हुआ जितने सारे कमिट्स थे आपके फीचर वन में वो सारे मेन में मर्ज हो गए अभी समझ रहे हो तो ऐसे काम करता है आपका मर्जिंग जैसे हमारे सारे जितने सारे ब्रांचेस थे हमने मेन में, में मर्ज कर दिया ठीक है समझ आया अभी ब्रांचेस में हम लोग इस तरह काम करते हैं एंड इस तरह हम लोग मर्ज करते हैं तो ये विजुअल चीज है ये सारे कमांड्स बस ऐसे नॉर्मल कमांड्स हैं बेसिकली थोड़ा सा तो डिफर करता है ये ये बस मैं आपको दिखा रहा था ये चीज तो फिर से फीचर वन में वो मर्ज हो गया एंड देन वी द पॉइंटर गोज बैक इन द मेन ब्रांच तो ये वाला आप वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं बढ़िया वेबसाइट है अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये चीज का ठीक है अब मेरे पास एक आ, मेरे पास एक रिपॉजिटरी है आ, अगर आप आप लोगों ने जिन्होंने मतलब ये मेरा एचटीएमएल किक स्टार्टर मेरा अटेंड किया था तो वो रिपॉजिटरी के बारे में आपको पता होगा तो यहाँ पर देखो एचटीएमएल किक स्टार्टर वर्कशॉप एचटीएमएल किक स्टार्टर वर्कशॉप यहां पर फॉर एग्जांपल एक नया डेवलपर आया फॉर एग्जांपल ठीक है

Oh. Not a git repository. Okay. Git init करते हैं और पर गिट पुल करते हैं। सॉरी क्या हो गया ये ठीक है। yeah. तो हमने एक एम्टी रेपोजिट्री जो है गिट इनेट से किया क्योंकि हमको एक लोकल रेपोजिटरी गिट रेपोजिटरी क्रिएट करना था हमने वो क्रिएट किया एंड वो जो रेपोजिट्री था क्योंकि हमको उस पर काम करना है इस पर काम करना है right? राइट उसके लिए हमने इसको क्लोन कर दिया फिर गिट पुल कर दिया क्लोन और पुल का ऑलमोस्ट काम सेम ही है तो वी डिड दिस ठीक है अगर हम गिट रिमोट आइफन वी चेक करते हैं तो गिट रिमोट हमारा एड नहीं हुआ है तो हम लोग अभी रिमोट एड ओरिजिन करेंगे ठीक है तो गिट रिमोट एड ओरिजिन और वो यू आर कर देंगे अभी वी आर रेडी टू पुश इन टू पुश माई चेंजेस इन टू दिस रेपोजिटरी क्योंकि अगर आप देखोगे रिपोजिटरी में जितना भी मेरे सारे चीजें थी वो सारा यहां पर आ चुका है अब मैं इसके ऊपर अभी काम कर सकता हूं बट अभी एज अ डेवलपर मैं मेन ब्रांच पे डायरेक्टली कमिट करना नहीं चाहता मैं क्या चाहता हूं मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करूं अपने चेंजेस वो ब्रांच में डालू उसके बाद मर्ज करूं अपने मेन ब्रांच के साथ तो पहले मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूं कहा था ये इधर था मैं राइट right. तो गिट ब्रांच फीचर वन अभी देखो उस पर मैं चेकआउट करता हूं मतलब वो ब्रांच पे मैं जाता हूं गिट फीच चेकआउट फीचर वन अभी देखो यहां पर ये पॉइंटर हेड जो था ये फीचर वन पे आ चुका है अभी मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ पे फॉर एग्जाम्पल जो हल्लो है ये हेलो मैं मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ ये एडिट विद नोट पैड प्लस करते हैं कुछ नॉर्मल चेंजेस करते हैं टाइटल को हेलो वर्ल्ड माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स ये करता हूँ ठीक है ये मैंने कर दिए कुछ चेंजेस ठीक है तो हेलो पे मैंने चेंजेस किए और यहां पर मैं जाके गिट स्टेटस देखता हूँ गिट स्टेटस में अंट्रैक्ट चेंजेस है ये तो इसको मैं पहले स्टेज करूंगा गिट एड डॉट सिंपल चीज गिट एड डॉट ये स्टेज हो गया तो गिट स्टेटस से आप देख लो ये स्टेज हो गया उसके बाद गिट स्टेटस अभी हमको इसको कमिट करना है गिट कम एम एंड गोइन टू गिव अ मैसेज गोइन टू से चेंज हलो डॉट एच टी एम एल कमिट हो गया अभी इसको पुश करेंगे गिट पुश ओरिजिन फीचर वन क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो फीचर वन है फीचर वन ब्रांच में हमको पुश करना है हमको मेन में पुश नहीं करना है तो ये देखो, तो ये ये देखो देखो फीचर में हमारे सारे चेंजेस पुश हो गए अभी यहां पर चलते हैं हम लोग तो यहां पर एक मैसेज आया फीचर वन हैड अ रीसेंट पुशेस पुशेस लेस देन अ मिनट अगो अभी अगर मेन में मैं जाके ये हेलो डॉट एच टी एम एल चेक करूं तो यहां देखो हेलो वर्ल्ड ही है अभी क्योंकि ये ब्रांच में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए बट अगर मैं इसका ब्रांच चेंज करूं फॉर एग्जाम्पल व्यू ऑल ब्रांचेस करूं और ये मैं फीचर ब्रांच में जाऊं तो दिस इज माई फीचर ब्रांच ये फीचर ब्रांच है फीचर फीचर वन वन नेम ऑफ द ब्रांच इज एंड इफ आई गो टू दिस तो यहां पर देखो यहाँ पर माई फ्रेंड्स एडेड है इसका मतलब हमने डायरेक्टली मेन ब्रांच में कमिट नहीं किया जो भी चेंजेस हमने पुश किया हमारे फीचर वन ब्रांच में हमने पुश किया अभी हमको क्या करना है

हमारा फीचर वन तो देखो सॉरी हमारा बेस है मेन एंड कंपेयर विद पर देखो फीचर वन में कुछ हलोट एच डी एम एल और ये जो चेंजेस आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड ये वाला हमारा एड होगा माई फ्रेंड्स ये हेलो वर्ल्ड में एड होगा ये मेन वाला साइड है और ये फीचर वन वाला साइड है एंड क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट ये फुल रिक्वेस्ट हमने क्रिएट हो गया अभी देखो यहां पर सोचो मैं ही क्योंकि डेवलपर मैं ही हूं अप्रूवर भी मैं ही हूं तो इफ आई अप्रूव दिस मर्ज रिक्वेस्ट आई विल जस्ट मर्ज दिस कंफर्म मर्ज कर देता हूं और ये अपने आप ही मर्ज हो जाएगा मेन ब्रांच के साथ मर्जड अभी अगर मैं जाऊं यहां पर और मेरा मेन ब्रांच देखूं दिस इज आई एम ऑन माय मेन ब्रांच एंड आई इफ आई चेक दिस हेलो.html ओवर हियर तो ये यह देखो यहां पर ये माय फ्रेंड्स अभी आ चुका है

मेन ब्रांच समझ आया अभी तक जो भी मैंने किया ये सर नो बताओ भाई बताओ ये सर नो बताओ हम्म बताओ ये सर नो ये सर नो बाकी सब क्या हो बाकी सबको क्या हुआ आ? बाकी सब बताओ समझ में आया इस तरह काम करते हैं रिमोट रिपोजिटरी के साथ रिमोट रिपोजिटरी के साथ इस तरह काम करते हैं अभी और लास्ट चीज में फॉर्किंग तो फॉर्किंग क्या होता है बेसिकली ये रिपोजिटरी को लेगा आपके अकाउंट में अगर आपको फॉर्क करना है तो आपके अकाउंट में एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा विद द सेम नंबर ऑफ फाइल्स तो फॉर्क करना बहुत आसान है यहां पर क्लिक करो नहीं यहां पर कहा गया ये हाँ ये देखो ये कहा चला गया फॉर्क अरे फॉर्क कहा गया यार आ, हाँ ये फॉर्क हाँ एक्चुअली मैं इसको फॉर्क नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा ही ब्रांच है तो आपको जब जब यहाँ पर आओगे तो आपको एक फॉर्क का एक ऑप्शन मिलेगा आपको ठीक है क्योंकि मैं इसको और एक ये टैब में ओपन करता हूँ मैं इनकॉक्यूट मेरा ही ब्रांच मेरा मेरा ही अकाउंट है मेरा ही अकाउंट में फिर से फॉर्क क्यों करूंगा तो यहाँ पर आपको शायद मिल सकता यहाँ पर तो अकाउंट में लॉग नहीं हुआ है hmm, yeah.

तो ये जो रिपोजिटरी आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा फिर उसको पुल करना आपके अकाउंट में जो जो मर्जी करना है करो यार जो मर्जी करना है करो कमिट करो ऐड करो स्टैश करो उसको रिमूव कर दो स्टैश को फिर 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 पुल करो मतलब फिर मर्ज कर दो जो करना है करो ठीक है तो उसका मतलब है का मतलब वो यहाँ पे कॉपी ले रहे हो मेरे रिपोजिटरी का अपने अकाउंट में बस एक जगह से दूसरे जगह कॉपी कर रहे हो सबको समझ आ गया गिट कमिट पुश पुल uh, फिर क्लोन uh, फिर आपका मर्ज uh, जितने भी सारे टर्म्स थे गिट के चारों ओर सबको समझ आया उसका मतलब क्या है कैसे यूज करते हैं हम लोग रिपोजिटरी के साथ कैसे गेम करते हैं खेल कैसे करते हैं सबको समझ आ गया हाँ या ना बताओ हाँ या ना बता दो इतना था आज का सेशन अच्छा लगा कि नहीं कुछ नॉलेज गेन किए कि नहीं यस और नो अभी अगर कोई हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आई थिंक सो आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आपको कोई अभी सवाल पूछते गिट पे आप सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं बताओ आपका दोस्त आगे पूछा यार मुझे बड़ा गिट आता है फिर उसने रिबेस फिर एक ना सवाल पूछ दिया रिबेस को कैसे रिसेट करते हैं रिबेस कैसे करते हैं सॉरी रिबेस बोल दिया ऐड कर दिया वो ऐड को रिमूव करना है कैसे करेंगे आप सीधा रिसेट कर दोगे आप है ना कमिट को डिलीट करना है कमिट का रिसेट कर दो कमिट आईडी कॉपी करो रिसेट कर दिया आपने बड़ा ही सिंपल सा काम है यार ये सब बड़ा सा सिंपल सा सिंपल काम है इसको इतना बड़ा मतलब इश्यू बनाते हैं ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माय सेशन गाइस सबको समझ आया मुझे बड़ा खुशी हुआ मेरा एक कलीग अभी ज्वाइन करने वाला है थैंक यू समीर फॉर अटेंडिंग द सेशन ऑल्सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन ऑल्सो